असी तो दिल ते लाइया ने, तेरे करके नींदा असी गवाइया ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ शाहिद अमीन और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव विद शाहिद अमीन। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी ड्यूटी अभी तक काउंटर पे है, ठीक है। मैं काउंटर पे हूँ और काउंटर से जैसे उठता हूँ फिर इंशाल्लाह आप लोगों को विजिट करवाता हूँ अपने गार्डन का। दिल भी गार्डन हो जाएगा और बारिश के बाद बहुत प्यारा मौसम होगा। काम मेरा स्टोर के अंदर है, स्टोर का वो थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, खाने का ऑर्डर देंगे। जैसे ही उस्मान साहब आ गया, ठीक है, उसके आने का टाइम हो गया, वो खाना खा करके फिर स्टोर का थोड़ा सा काम करेंगे, वो करके इंशाल्लाह फिर गार्डन में चलेंगे। आपको गार्डन दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत हुआ पड़ा है। रैली बारिशों के बाद यहाँ का मंजर ऐसा, तकरीबन मैं 6 महीने के बाद इस गार्डन में दोबारा गया हूँ, वो भी बारिशों के बाद, जब फूल निकल आया, जब खूबसूरत जो है ना माहौल हो गया, जितने भी जो दरख्त और पौधे लगे हुए थे सब हरे भरे हो गए, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा नाश्ता अमेरिका में भी नहीं मिलेगा और अमेरिका के लोग जो है इस चीज़ को तरसेंगे जो नाश्ता ये है, बल्कि जो अमेरिका में रहते हैं वो सारे इस नाश्ते को तरस रहे होंगे, ईमानदारी की बात है। क्योंकि वहाँ पे मेरा एक भाई बैठे बैठे सामने, उन्होंने बोला बोला यार तरबूज भी जो है ना लोग आधा काट के ले जाते हैं वहाँ पर। समझ में आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, रेडी से पूरा तरबूज उठाओ और घर ले जाओ, कच्चा निकले पक्का निकले आपका नसीब। गर्म गर्म रोटी, गर्म गर्म रोटी के साथ दाल चना, जिंदाबाद। दाल चने के साथ ये जो है ना ग्रेवी वाली दाल, उसके साथ सब्ज़ी, चिकन कौरमे की ग्रेवी और बिरयानी, क्या ज़बरदस्त। उसके साथ आलू भी है, आलू भी बड़ा हुआ है भाई बिरयानी में, ज़बरदस्त। अब मैंने अपना काम अभी फिनिश कर लिया है, अभी चलते हैं। मैंने आपको बोला था बाहर मौसम आपको दिखाऊँगा, और जो मेरा गार्डन है वो गार्डन हुआ बड़ा है बारिश के बाद, बहुत प्यारे फूल। ये मैंने खिड़की बंद कर दी, अंदर का मंजर धुंधला हो गया, काम से हो गए फारिग, लैपटॉप बंद किया, बुके कापियाँ सब बंद की, चलते हैं बाहर। चलते हैं क्योंकि वहाँ पे टक शॉप पे एक मेरी पर्सनल चीज़ है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो नहीं मिली तो यहाँ से लेते हैं, ये सामने वाली टक शॉप से, इस वाली टक शॉप से लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आपको अपना बागीचा दिखाते हैं, चमन दिखाते हैं, फूल दिखाते हैं। ये हमारा बागीचा लगा हुआ, कसम से बागीचे के अंदर इतने प्यारे फूल लग चुके हैं और इतनी ग्रीन हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो, ओहो माशाल्लाह से फूल, ये देखो, ठीक है, सरसब्ज ग्राउंड, और ये देखो बाहर जैसा मौसम आ गया, क्योंकि बारिश के बाद जो है ना बहुत खूबसूरत हो गया ये हमारा जो गार्डन। दिल भी गार्डन है मौसम की तरह, और गार्डन भी गार्डन हुआ बड़ा है। जब ये पौधा, ये जिसका फूल बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब ये कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, बंजर हो गया ये, तो अभी तो माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है ना, पीछे आपको ये भी सारा हरा हरा नज़र आ रहा है वहाँ पे। उसके अलावा जो है ये फूल जो है ना, ये तो चलो सदाबहार फूल हैं, इनको तो पानी लगे ना लगे ये जो है ना सदाबहार चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत दूर से पानी लेकर के आए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको कनोपी हो सकता नज़र आ रही हो, इसके पीछे पीछे से पाइप घूम करके पहले उनके जो है ना बागीचे में गया हुआ है, फिर उसके बाद इसमें आया हुआ है, और वो पाइप ये लगा हुआ, और ये बेचारा पाइप इस पूरे इलाके को सरसब्ज कर नहीं सकता था, ये रहा ये पाइप। और ये पाइप मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि ये इस पूरे इलाके को ये शराब करेगा, इस पाइप तक इतना पाइप हम लोगों ने वहाँ से बिछाया हुआ। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत है, वो परवरदिगार बेहतर जानता है, और अपने कामों में उसको यानी वो ताकत रखता है हर चीज़ को। ये कसम से ऐसी कंडीशन हुई पड़ी थी सारे बागीचे की कि हम लोग इसको उखाड़ फेंकते थे, और बारिशों के बाद इतना प्यारा मंजर, इतना प्यारा मौसम, नाइस।
अच्छा मुझे सीरियसली यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है कि मत पूछो, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला। मैंने अपने कामों से फारिग, रेस्टोरेंट से फारिग होकर के थोड़ा यहाँ अकेला बैठा हूँ। मैंने बोला चलो गपशप करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, किसी कोई दोस्त फ़ोन नहीं उठाया। चलो मैंने बोला थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं, लोग जो है कोई कहाँ जा रहा है, कोई नारायण जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और हम देखो हम बस यहीं के यहीं हैं, गूगल में घूम लेते हैं, यूट्यूब में घूम लेते हैं। बहरहाल मौसम आज बहुत प्यारा है, बादल हैं तो इसीलिए यहाँ आकर के बैठ गया। इट्स अबाउट लाइफ यार। ने दिल से ये कहा ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं यार हम लोग। बहरहाल इट्स अबाउट लाइफ। बहुत यहाँ पे घुमा फिरी हो गई, आप लोगों को मैंने दिखाया कि हमारा दिल भी गार्डन गार्डन है, हमारा गार्डन भी गार्डन गार्डन। थोड़ा उधर का भी हाल हवाल नहीं, काफ़ी देर हो गई वहाँ से निकले हुए, थोड़ी देर में अल्लाह मच जाएगा पीछे, कहाँ गया क्यों गया और किस से पूछ के गया।